तेबे भारतीय हॉकी टीम आसी वर्तमान भुवनेश्वर में पहुंची सदाशक सेठाक जावा सदाशक चित्र आप देख पारे ये विमान बंदर आसी पहुंची भारतीय हॉकी टीम ये सदाशक चित्र आप देखिपे एयरपोर्ट रु वर्तमान आसी भुवनेश्वर विमान बंदर में पहुंची सारी भारतीय हॉकी टीम जेहेतु समय जहाँ रही सकाल समय आसी पहुंचबार ये सदाशक चित्र आप विमान बंदर देखुं भारतीय हॉकी टीम आसी पहुंची सारी विमान बंदर में फास्ट विजुआल आपण अर्ग स्क्रीन देखि पाउछन्ति भारतीय हॉकी टीम जेतु हॉकी महाकुंभ हेबाकु जाउछि तेणु आसी भारतीय टीम माने भुवनेश्वर रे पहुंची सारी ये विमान बंदर चित्र आपण देखि पाउछन्ति सदाशक फास्ट विजुआल माध्यम रे अर्ग स्क्रीन रे चिन्मयी साहू आम प्रतिनिधि सदाशक आम सहित विमान बंदर जोड़ी होती चिन्मयी पूरा समस्त अपेक्षा थी जे केबे भारतीय हॉकी टीम आसी पहुँचे जो जेहेतु 2023 पुरुष विश्वकप हॉकी रही टीम आसी पहुँची सारे कौन सब व्यवस्था रही चिन्मयी ନିବେଦିତା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହକିର କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାରଣ ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ହେଉ କି ଆଜି ଏମାନେ ଏଠାରୁ ରାହୁଲ ରାଉରକେଲା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ କାରଣ ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ 11 ତାରିଖରେ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ 13 ତାରିଖକୁ ହକି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥାରେ ଯଦି କହିବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକ ରାଉରକେଲାରେ ରହୁଛି ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରଣ ଯେମିତି ଭାବରେ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ସଜେଇ ହେଇଛି ହକି ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଜେଇ ହେଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିକୁ ଏହିକୁ ଶାନ୍ତି ଟାୱାର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବେ ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ଏହିକୁ ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯିବେ ତାପରେ ରାଉରକେଲା ଯିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କୋଉଥିରେ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ହକି ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆସି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କୋଉଠି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ସେଲ୍ଫି ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କାରଣ ହକିର କ୍ରେଜ୍ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ହକିର ଖେଳ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି ହକିର କ୍ରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ହକିର ଟ୍ରଫି ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବଡ ଧୁମଧାମ ସହିତ ନାଚ ଗୀତ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ବୁଲା ଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ହକି ଟ୍ରଫିକୁ ବୁଲା ଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆପଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ବସ୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ ଏଇଠୁ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାନ୍ତି ଟାୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଟାୱାରରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଝାରସୁଗୁଡା ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ରାଉରକେଲା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ निश्चित भाव ये सदाशक भुवनेश्वर विमान बंदर चित्र आप देखुं भारतीय हॉकी टीम आसी पहुंची सारी सांडी टावर जावापर से झारसुगुड़ा विमान बंदर जाए ओल्लैबे और सेठे सदाशक राउरकेला जी जेहेतु से प्राक्टिस रही तेणु जो आसी से पहुंची सारी भुवनेश्वर विमान बंदर ये सदाशक चित्र आम प्रतिनिधि चिन्मयी साहू सेठे अच्छा आपन को चित्र सदाशक देखा भारतीय हॉकी टीम आसी पहुंची सारी जेहेतु जेहेतु आसी मानते जो देखिए सबुआ पूरा हॉकी क्रेज रही मैच जेहेतु टी मैच देखापी समस्त उत्कंठा रही आम भुवनेश्वर प्राक्ट कर सारी पुणी से नुआ टर दरकार तो ये आम पाख 15-16 दिन अच्छे तो अभ्यास कर 13-15 तारीख आम मैच अच्छे भुवनेश्वर तापर 18-19 तारीख अच्छे भुवनेश्वर में निश्चित भाव में दल पक्ष भाव में प्राक्ट रही भाव से कहते राउरकेला अभिमुखे यात्रा करेंगे और राउरकेल प्राक्ट अच्छा खेला जहाँ प्रतिक्रिया ना अच्छी टीम है एंड यू नो कॉमनवेल्थ की बात करूँ प्रो लीग के मैचेस की बात करूँ तो काफ़ी टफ यू नो टफ मैचेस गए उनके साथ तो हमारा यही फोकस है कि अपनी गेम पे जो हमने डिसाइड किया जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको कंटिन्यू रखें एंड स्टार्टिंग में ट्राई करेंगे कि तो स्कोर बोर्ड प्रेशर है जो उसको मेंटेन रखें क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द मैच है हमारे लिए थोड़ा इजी नहीं मैडम प्रेशर नहीं क्योंकि टीममेट्स आपके साथ में हैं और आपकी अकेले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जब तक क्योंकि टीम गेम है
तो इंडिविजुअली सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर वो अच्छे से सभी निभाएंगे तो आई थिंक कोई प्रेशर लेने वाली इसमें बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी, वन ऑफ द बेस्ट यू नो जो फर्स्ट रशर हैं हमारे अमित रोहिदास हैं एंड नीलम ट्रैक फ्लिकर है, डिफेंडर है, कैम में काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस रहा है और अच्छा कॉम्बिनेशन बना है हमारा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने क्रिएट की है क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम के बाद उनको मौका मिल रहा है, जस्ट ऑस्ट्रेलिया टूर खेले हैं वो, तो आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल मैडम, इसलिए क्योंकि हमारा ये टारगेट है और जब भी हम कोई मेजर टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो सभी को पता है कि हमारा क्या गोल है, हमने क्या अचीव करना है, तो जैसे मैंने बताया कि इसके बाद पता नहीं हमें कि वर्ल्ड कप कब इंडिया में होगा, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि यहाँ पे अपना बेस्ट करके जाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लास्ट टाइम यही बोला था कि एक यू नो आप बोल सकते हो कि होम टाउन ही हमारा, क्योंकि इतना क्राउड है जो इतने जो जितना भी क्राउड आता है डे वन से हमें सपोर्ट कर रहा है और हम पे बिलीव कर रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए अच्छा करके देखें। भाव में अधिनायक भाई प्रतिक्रिया रोते कौटि ना कौटि प्रिपेरेसन बहुत भल रही, जेहेतु यहाँ होम टाउन रो समस्त भितर से उत्साह भरिक रही, कारण निहत भाव में जो चकदे इंडिया से भाव में इंडिया विन कर समस्त विश रही नवेदिता नयंतीजन्मयी आम प्रतिक्रिया शुणुले अधिनायकों प्रस्तुति जोरदार होती, जेहतु होम टाउन रेणु डरबार कौन संभावना नहीं, समस्ते उत्साहित अच्छा मैच को लेकिन प्राक्टिस आरंभ हो जथेष पूर्व से आसी पहुंची सारी भुवनेश्वर विमानंदर या सैंडी टावर जी और सेठार सदाशक झारसुगुड़ा निश्चय मो फैंस मान को मो बहुत बहुत धन्यवाद देवी, आप आसतु मैच देखु एवं एंजॉय करंतु और टीम इंडिया एवं समस्त चेयर अप करंतु। एथरो वर्ल्ड कप रे केते आशावादी छथि फाइनल खेलबे मैच देखंतु मो एबे दुखर कहुछि से कथाटा, आमे फर्स्ट फोकस अछि हमर क्वार्टर फाइनल अछि, स्टेप बाय स्टेप जिवार छ हमको। देखो नीलम रुकू कंग्रेचुलेसन देवी, नीलम को कौन कि बड़ मैच सुजोग मिली फास्ट खेली से इंटरनेशनल खेली डायरेक्ट वर्ल्ड कप को सिलेक्शन हो तो पूरा मो आशा कर भल खेल कौन कि सहित मुझे कते थर खेली सारी बहुत भल खेली मो आशा तो भल खेल 2018-2023 देखो यंग स्टार ही अच्छा कि चेंजेस नाई सेम अच्छा तीन चार जन को छाड़ी समस्त से देखो समस्त मैंने कैपेबिलिटी अलग अलग रहा है, डिफेंडर ट्रैक फ्लिकर समस्त बहुत भल अच्छे निश्चय देखो आम फर्स्ट टारगेट अच्छे क्वार्टर फाइनल अच्छे आम जी। थैंक यू थैंक यू। सैंडी टाउन विजुअल देखि पारुथिबे निहत भाव में एयरपोर्ट बाहर के सैंडी टावर अभिमुखे यात्रा कर बस रे सैंडी टावर अभिमुखे यात्रा करेंगे, परवर्त मुहूर्त से झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रु राउरकेला अभिमुखे यात्रा करेंगे और सबुठे से उत्साह रही क्रेज रही जब भाव में अधिनायक कहते जेहेतु होम टाउन रही जितबार बेस जदि कह समस्त भितर से जोश भरिक रही कि भाव में जितने पूरा पूरी विजुअल देखि पारुथिबे स्क्रीन रे जो भाव में टीम रो जो मैंने प्लेयर अच्छा बहुत एक्साइटेड अच्छा भितर से उत्साह देखा मिलूँ, कारण कोटना कोटि जो 18 मसीहा विश्वकप थिला पुनर्बार पुणी ओडिशा जोटी हॉकी एंतुड़ीशा से ही स्थान में पुणी आउ थे विश्वकप हॉकी आसुच्छे सबुठ से क्रेज देखा मिलूँ, पूरा हॉकी माहौल भुवनेश्वर कथा जदि कह पूरा राजधानी सजेई हो प्रत्येक जदि कह प्रत्येक छक बजार सबकि हॉकी स्वागत रही जिते बड़े ट्रॉफी आसी ट्रॉफी को भाव में स्वागत करा आज प्रथम जदि कह प्रथम थर पर जी कह कौटना कौटी खेला आसिक पहुँची जाइंट खेला आसवापर बहुत उत्साह देखा मिलूँ आज भारत टीम आसिक पहुँची सारी परवर्त मुहूर्त में अगर जो 16 टीम रही 15 टीम रही आसिक पहुँची जी
ଏବଂ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ହକିର ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସେ ଖୁସି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। तेबे चिन्मयी साहू आम प्रतिनिधि आमको सदासख भुवनेश्वर विमान बंदर चित्र देखाऊ जोटी की देखिपे आप सांडी टावर अभिमुखे वर्तमान जो प्लेयर मैंने रही हॉकी प्लेयर से मैंने बाहरी सारी जेहतु होम टाउन रेणु जोश तो निश्चित भाव में अच्छी विन ही कर इंडिया टीम और जोश रही हॉकी प्लेयर मध्य आप अधिनायक प्रतिक्रिया शुणुते जे ओडिया प्लेयर रही से प्रतिक्रिया रखुते जे आम क्वार्टर फाइनाल बेस फोकस कर वर्ल्ड कप निश्चित भाव में जितबू आहेतु चिन्मय जमी कहते हैं एंतुड़ी शाड़ कथ जो आम हॉकी कथ आसे आम जानते ओडा हूँ एंतुड़ी शाड़ जोटी की निश्चित भाव में भल प्रदर्शन इंडिया टीम रो सहित टीम पूरा आज ठार प्राक्टिस आरंभ करेंगे और बर्तमान से विमान बंदर में पहुंचा पर भुवनेश्वर विमान बंदर में पहुंचा पर बर्तमान सांडीटार अभिमुखे बाहरी परवर्त समय से झारसुगुड़ा विमान बंदर में ओल्लैबे और सेठने फिल्ड को सीधा सख जी प्राक्ट आरंभ करेंगे। धन्यवाद चिन्मय साहू हम प्रतिनिधि हम सहित जोड़ी ही अधिक आलोचना करते हैं।